एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज से यहाँ पर T20 सीरीज स्टार्ट होगी, जिसका पहला मुकाबला आज खेला जाएगा 9:30 बजे। और इस मैच की इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस वीडियो अच्छे से पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। जैसा कि आपको बताया, पहले तो जो आज के दोनों T10 के मैच थे अपने वन साइडेड क्लीन स्वीप जा रहे हैं। आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर टीम देख भी सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करेंगे इस मैच के बारे में। 9:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में। और आपको पता है शारजा का जो विकेट है छोटी बाउंड्री होती है, तो भाई छक्के आसानी से लगते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स को मदद भी होती है। एवरेज स्कोर 140-180 के बीच में बनता है। पहले बात करेंगे पाकिस्तान की टीम की। पाकिस्तान की जो टीम के मेन प्लेयर है जैसे कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, वो आपको इस सीरीज में खेलते नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको यंग जो पाकिस्तानी टीम है वो नज़र आएगी। अब इनकी तरफ से ओपन करने चाहिए मोहम्मद हारिस और उनके साथ में आने चाहिए सैम आयुब। मोहम्मद हारिस की बात करूँ, करियर में 5 T20I के मैच खेला है जिसमें 104 रन 20 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म PSL का है, 9 बैटिंग, 35, 79, 34, 85 बढ़िया फॉर्म है। सैम आयुब की बात करूँ तो T20 करियर में इन्होंने T20I तो नहीं खेला, डेब्यू रहेगा इनका। T20 में इनके नाम 33 मैच में 899, 27 के एवरेज, 4 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 74, 58, 1 विकेट, 0, 23 और 9 रन 0 विकेट है। ठीक ठाक सा फॉर्म है इनका। शान मशहूद है, करियर में 19 मैच में 395 रन, 30 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 51, 25, 19, 75, 5 है। बढ़िया फॉर्म है इनका, टेक्निकली साउंड बेटर है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इफ्तिकार अहमद है, हेड टू हेड में 1 मैच में 30 रन है, जबकि करियर में 43 मैच में 654, 26 का एवरेज, 4 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 3 रन 2 रन 1 विकेट, 4 रन, 9 बैटिंग, 53 है। फिर आएंगे ऐसे आजम खान, T20 करियर में 3 मैच में 6 रन है, उतना खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन T20 डोमेस्टिक में 110 मैच में 2244 रन, 24 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 72, 35, 3, 9 बैटिंग, 2 हैं। शादाब खान टीम की कप्तानी करेंगे और बहुत बढ़िया प्लेयर है ये, बैटिंग बॉलिंग दोनों शानदार करते हैं। हेड टू हेड में 2 मैच में 36 रन 2 विकेट है। रिसेंट फॉर्म भी इनका PSL का है, बहुत खतरनाक फॉर्म है, 44, 2 विकेट, 12, 0 विकेट, 25, 2 विकेट, 26, 2 विकेट। इमाद वसीम है, करियर में 58 मैच में 339, 55 विकेट हैं। हेड टू हेड में 1 मैच में 2 विकेट है, बढ़िया रिकॉर्ड है। रिसेंट फॉर्म तो आपको पता ही है PSL का बहुत खतरनाक है, 92 नॉट आउट 0 विकेट, 30 नॉट आउट 0 विकेट, 45 2 विकेट, लेकिन यहाँ पर बैटिंग शायद इनको उतनी ना मिले। मोहम्मद नवाज आएंगे यहाँ पर, करियर में 55 मैच में 422, 47 विकेट है। हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 52 विकेट, 15 1 विकेट, 0 विकेट और 16 1 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे मोहम्मद वसीम, डेथ के बॉलर हैं, 26 मैच में 34 विकेट हैं। रिसेंट फॉर्म 16 2 विकेट, 8 1 विकेट, 14 1 विकेट, 1 विकेट है। नसीम शाह, हेड टू हेड में 1 मैच में 14 1 विकेट है, करियर में 16 मैच में 14 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट है। चलेंगे आसत पर ईसान उल्ला की तरफ। इनका आपको पता है इन्होंने अभी जो PSL हुआ था उसमें बहुत खतरनाक बॉलिंग कराई थी। स्टार्टिंग के जो मैचेस थे उनके बहुत शानदार रहे थे। करियर में 20 मैच में 30 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है। अब अभी के लिए मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ मोहम्मद हारिस, शान मशहूद, इफ्तिकार अहमद। इफ्तिकार की जगह आप चाहो तो सैम आयुब के साथ जा सकते हो। शादाब खान को रखूँगा, इमाद वसीम को रखूँगा, मोहम्मद वसीम और नसीम शाह को रखूँगा। अब आप चाहो तो मोहम्मद वसीम की जगह ईसान उल्लाह के साथ जा सकते हो। बेंच पर जो प्लेयर है उनके स्टेट देख लो। हसीबुल्ला है, इसके नाम 17 T20 में 323, 21 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 7, 10, 15, 5 है। तैयब ताहिर है, 22 मैच में 794, 41 का एवरेज है करियर में। फॉर्म ठीक ठाक है, 65, 6, 19, 7, 40 है। अब्दुल्ला शफीक 3 T20 में 41 रन, रिसेंट फॉर्म 1, 2, 0, 10, 65 है। फहीम अशरफ 42 T20 में 259 रन, 35 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 51 1 विकेट, 4 0 विकेट, 38 1 विकेट, 5 1 विकेट है। खेलेगा तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकता है। उसामा मीर है, 78 T20 में 223, 71 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 11 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट है। अबरार अहमद के नाम 21 मैच में 22 विकेट है, लेग ब्रेक बॉलर है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट है। और जमान खान 43 मैच में 55 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट है। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे नसीम शाह, ईशान उल्ला, इमाद वसीम। डेथ के ओवर डालेंगे मोहम्मद वसीम,
यहाँ से नसीम शाह और ईशानुल्ला। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि अफगानिस्तान की टीम की, तो यहाँ से ओपन करेंगे रहमानुल्ला गुरबाज और उस्मान गनी ओपन करने चाहिए। रहमानुल्ला गुरबाज की बात करूँ, हेड टू हेड में दो मैच में 27 रन है, उतना खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अभी ना सईद शाहफरीदी नहीं खेल रहे, ये उनके सामने ज़्यादा फंसते हैं, और रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है, 0-25-15-33-10, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। उस्मान गनी है, करियर में 33 मैच में 764-26 का एवरेज है, हेड टू हेड में कोई मुकाबला नहीं खेले हैं, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, 30-33-0-73 नोट आउट, 2 नोट आउट, मतलब सिर्फ एक मैच में फ्लॉप है। इब्राहिम जादरान टेक्निकली साउंड बैटर है, भले स्ट्राइक रेट इसका थोड़ा लो रहता है लेकिन रन जरूर बना देता है। करियर में 19 मैच में 450-30 का एवरेज है, हेड टू हेड में एक मैच में 35 है, रिसेंट फॉर्म 23-1-8-1-60 नोट आउट है। नजीबुल्ला जादरान हेड टू हेड में 3 मैच में 70 रन है, करियर में 89 मैच में 1644 रन है, रीसेंट फॉर्म 16 नोट आउट 37 नोट आउट 1-59-1 है, हिटर प्लेयर है टीम का। मोहम्मद नबी हैं, हेड टू हेड में 3 मैच में 50-2 विकेट हैं, रीसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 18-0 विकेट 1-1 विकेट 0 विकेट 21-0 विकेट है। गुलबदीन नायब हेड टू हेड में 2 मैच में 38-38 का एवरेज है, रीसेंट फॉर्म 12-0 विकेट 39-0 विकेट 2-0 विकेट 0-2 विकेट है। करीम जन्नत आएंगे यहाँ पर, हेड टू हेड में 2 मैच में 30 रन 0 विकेट हैं, रिसेंट फॉर्म इनका भी अगर आप देखोगे तो 53-0 विकेट 7-1 विकेट 56-0 विकेट है। राशिद खान टीम के कप्तान हैं, बहुत बढ़िया फॉर्म है इनका, हेड टू हेड में 2 मैच में 18 रन 4 विकेट है, और रिसेंट फॉर्म भी आप देखो 15-4 विकेट 6-0 विकेट 0-1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, बहुत बढ़िया फॉर्म है। फजल अक फारूकी हेड टू हेड में 1 मैच में 3 विकेट है, फॉर्म इनका भी बढ़िया है, 3 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है। मुजीबुर रहमान हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। नवीन उलग की बात करूँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करे, क्योंकि फिर ये डेथ में आता है। करियर में 25 मैच में 32 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट है। यहाँ से मैं अभी के लिए पिक करूँगा गुरबाज, उस्मान गनी, इब्राहिम जादरान। अब आप चाहो तो उस्मान गनी की जगह नजीबुल्ला जादरान या मोहम्मद अभी में से किसी को पिक कर सकते हो। नीचे से मैं राशिद खान और फजल अक फारिको के रखूँगा, बाकी जो बेंच पर प्लेयर हैं उनके स्टेट देख लो। तो अफसार जजाई है जिसके नाम 5 मैच खेले हैं करियर में टी ट्वेंटी में, 112-22 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 14-48-18-13 है। सदीकुल्ला अतल हैं, 12 T20 में 152 रन 13 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 9-1-5 नो बैटिंग 23 है। अजमतुल्ला ओमरजाई हेड टू हेड में 1 मैच में 10 रन 0 विकेट है, करियर में 19 मैच में 106 रन 7 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 16-2 विकेट 10-1 विकेट 2 विकेट है। सफदुद्दीन असरीफ हैं, 13 मैच में 7 विकेट, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, 37-2 विकेट 34-0 विकेट 24-0 विकेट 4-1 विकेट है। फरीद मलिक 1 मैच में 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, नो बैटिंग 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। नूर अहमद इनके नाम T20 के 1 मैच में 4 रन 4 विकेट हैं, जबकि T20 में 50 मैच में 46 विकेट हैं, रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 1 विकेट 23-2 विकेट 10-0 विकेट हैं। जाहिर खान स्लो लेफ्ट आर्म चाइना मेन बॉलर, करियर में 1 मैच में 0 विकेट, T20 में 90 मैच में 98 विकेट, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट है। निजात मशहूद 3 T20 में 4 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। और यहां से ननगियालिया खरोटे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 15 मैच में 17 विकेट, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 47 3 विकेट है। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे नवीन उलग, फजल अक फारूकी, मुजीब, और डेथ के ओवर डालेंगे नवीन उलग, फराज अलग फारूकी, राशिद खान। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ, बात कर रहे हैं यहाँ पर डेमो टीम की। तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है रहमानुल्लाह गुरबाज को, बैटिंग सेक्शन से रखा है शान मशहूद, इफ्तिकार अहमद, इब्राहिम जादरान, उस्मान घनी, ऑलराउंडर सेक्शन से रखा है इमाद वसीम, शादाब खान, और बॉलिंग सेक्शन से रखा है राशिद खान, नसीम शाह, फजल अक फारूकी, मोहम्मद वसीम, कैप्टन शादाब खान, वाइस कैप्टन राशिद खान। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू।